हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दी ग्लैम गर्ल चैनल। मेरा नाम सीमा है। गाइस, ये वीडियो आने वाली है आज बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आज विंटर हॉल के बारे में। सो अब सर्दी आने वाली है गाइस, तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जिसमें कि आपकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट भी मिले, साथ ही साथ आपका पीएच लेवल भी मेंटेन रहे और उसके साथ साथ आपको यूवी प्रोटेक्शन भी मिले। ठीक है, तो गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट। 3-4 प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं खुद के लिए ऑर्डर करती हूँ, जो मैं खुद यूज करती हूँ विंटर के टाइम पे, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मैंने नाइका से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें 3-4 प्रोडक्ट है गाइस, ये अभी अभी मेरे पे डिलीवर हुआ है और इसमें मैंने टू डेज पहले इसको मंगवा लिया था, तो आज मेरे पे डिलीवर हो गया है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो है वैसलीन का ये डीप रिस्टोर मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन है बेसिकली। तो अभी अभी आपके सामने मैं इसको अनपैक कर रही हूँ। ठीक है, तो गाइस ये इसका इस तरह से कुछ इसका लगता है बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत सुंदर पैकेजिंग है इसकी और बहुत इजी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। मतलब इसको मैं यूज कर सकती हूँ, कहीं भी इसको लेके जा सकती हूँ, अपने पर्स में इसको कैरी कर सकती हूँ इजिली। और साथ ही साथ ये रिकमेंड करता है कि ये नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट है और इसका जो वॉल्यूम है वो है 200 ml। इसका जो प्राइस है MRP वो है 185 rupees। 200 ml में 185 rupees इज क्वाइट ओके प्राइस, अच्छा प्राइस है इसका। डिस्काउंट के साथ मुझे ये पड़ा है नाइका से, मैंने इसको जब ऑर्डर किया था तो अगेन मुझे ये पड़ा था 185 rupees का एक्जैक्टली, बिकॉज मुझे इसमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला इस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसमें नाइका में सेल चल रही है, तो अब आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि प्रोडक्ट आपको कितने का मिलेगा। ठीक है, तो जब मैंने लिया था ये है 2 दिन पहले की बात, ठीक है, आज से 2 दिन पहले की बात, तो मुझे एक्जैक्टली 185 rupees का ही मिला था ये। इसकी मैं आपको एडवांटेज बता देती हूँ गाइस, ये हमेशा नॉन ग्रीसी रहता है आपकी बॉडी में, जब भी आप इसको अप्लाई करोगे अपने बॉडी में तो क्या होगा, जैसे आपने अप्लाई किया, इसका फॉर्मूला एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें ये आपको टिकटॉक लॉक के फीचर में मिलता है, तो पंप वाला फीचर जिसमें भी रहता हो तो उसमें थोड़ा सा गिरने का डर रहता है गाइस, कि आपके पर्स में जब उसको कैरी करो तो कहीं गिर ना जाए इधर उधर, तो ये बहुत अच्छा है इसमें कि लॉक हो जाता है इजिली। आप देख सकते हो गाइस का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, और इसको मैं यहाँ पे, अभी मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रखी है तो मैं इसको अभी अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन में। ड्राइनेस एकदम से चले गई है मेरे हाथ से, सीरियसली मुझे फील हो रहा है कि अभी मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है मेरे पाम की, और मतलब आप देख सकते हो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लग रहा है। अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया, अभी लॉक हो चुका है। ठीक है, आपको मैं रिकमेंड करती हूँ, जब जब आप शावर लो, जब जब आप बाथ लो, उसके बाद आप वैसलीन का बॉडी लोशन डे टाइम में अप्लाई करो अपनी बॉडी में, और फिर आप आराम से कुछ भी अपना काम कर सकते हो। तो मतलब जो आपके हैवी मॉइस्चराइजर रहते हैं वो आप नाइट टाइम पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो वैसलीन का ये वाला मॉइस्चराइजर रहता है ये मैं अपना बाथ लेने के बाद इसको बॉडी में यूज करती हूँ, और ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है 24 आवर्स के लिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक दिन में, मतलब आप इसको अप्लाई करते हो मॉर्निंग में तो आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपकी बॉडी फिर से ड्राई हो गई है, मतलब ये इतने अच्छे से लॉक करता है चीजों को। साथ ही साथ गाइस मैं इसमें बता देती हूँ, इसका डिसएडवांटेज ये पैराबीन फ्री नहीं रहता है गाइस, तो जो भी आप अगर फॉलो करते हो कि आपको पैराबीन फ्री प्रोडक्ट ही चाहिए तो यू कैन गो फॉर गुड वाइव्स प्रोडक्ट और बाकी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं जो कि पैराबीन फ्री रहते हैं, लेकिन वैसलीन का ये वाला जो मॉइस्चराइजर है पैराबीन फ्री नहीं रहता है। लेकिन इसके अलावा इसके जो फीचर्स हैं, इसके अलावा जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं इसको यूज करती हूँ और ये विंटर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ गाइस वो है हमारा सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो बेसिकली ये मैंने मंगाया है अभी अभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये है 80 ग्राम, इसका जो वॉल्यूम है 80 ग्राम है। ये हमें क्लेम करता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, नॉन ग्रीसी है, नॉन इरिटेटिंग है, वॉन्ट क्लॉक पोर्स, और ये हाइड्रेशन और फॉर डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है। गाइज मैं हमेशा जब भी अपने फेस के लिए अप्लाई करती हूँ तो हमेशा मैं इसी को अप्लाई करती हूँ, जब भी मुझे मॉइस्चराइजिंग की जरूरत होती है अपने फेस पे तो हमेशा मैं सेटाफिल का ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ। बेसिकली इसकी पैकेजिंग, इसका आउटर पैकेट ये है और इसका जो इनर बॉटल है, जो पैकेजिंग है वो ये है। ठीक है, तो आप ये ट्यूब फॉर्म में आती है, अगेन इसमें टिकटॉक वाला फीचर है विच इज अमेजिंग, और अगेन आप इसको ट्रैवल फ्रेंडली रख सकते हो अपने बैग में, अपने पॉकेट में, कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते, लेके जा सकते हो अपने साथ। ठीक है, तो अगेन इसका गिरने का डर नहीं रहता है, ये लॉक हो जाता है। इसका जो प्राइस है गाइस वो है 389 रुपीज, इसमें लिखा हुआ है MRP 389 रुपीज है इसका MRP,
और जो मुझे मिला है वो है 389 रुपीज में ही मुझे मिला है, क्योंकि उस टाइम पे नायका में कोई सेल नहीं चल रही थी और मुझे इमीडिएटली प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि अब विंटर्स आने वाले हैं तो मैं थोड़ा और लेट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने फटाफट ये प्रोडक्ट मंगा लिए। इसको आप अपने फेस एंड बॉडी दोनों में अप्लाई कर सकते हो। ये किस टाइप की स्किन के लिए ये अच्छा है मैं आपको बता देती हूँ गाइस। जैसे मेरी जो स्किन थी वो थी सुपर ड्राई और ड्राई स्किन सेंसिटिव स्किन थी, तो इसलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ। या आप नॉर्मल स्किन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हो, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं करती हूँ जिनकी भी ऑयली स्किन है। लाइक जिसका भी ऑयली स्किन है, आपको पता होता है आपकी स्किन का टाइप क्या है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ऑयली ये बना लेता है आपकी स्किन को और ज्यादा। तो ड्राई और सुपर ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। नॉर्मल स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। अगेन ये नॉन ग्रीसी है। इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको इस तरह से ये लेना है और बहुत थोड़ा सा इसको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, तो आप इसको अगेन ऐसे करके इसको अच्छे से अप्लाई करोगे अपने स्किन में, अपने स्किन एरिया में, ठीक है। और इसको इस तरह से, अब ये मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, मतलब एक कवर एक बना देता है स्किन में प्रॉपर, कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ लगाया है, लेकिन आप फिर 24 आवर्स के लिए फ्री रहते हो उसको लगाने के बाद, ठीक है। तो ये इतने अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड विंटर्स के लिए दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट गाइस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। सबसे अच्छी बात इसमें यह है गाइस कि आपका पीएच लेवल मेंटेन करके रखता है, स्किन का जो पीएच लेवल होता है वो उसको मेंटेन करके रखता है। इससे पहले जो मैं फेस वॉश हो गया या मॉइस्चराइजर यूज करती थी गाइस, तो उससे क्या होता था कि मतलब मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई थी, तो और बहुत ज्यादा ऐसा लगता था जब मैं फेस वॉश करके आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि स्किन बहुत ज्यादा खींची खींची है, मतलब कोई स्किन को मैं खींच रहा है, इस तरह से मुझे लगता था। तो इतनी सुपर ड्राई स्किन थी मेरी, और जब से मैंने इसको यूज किया तब से मेरी स्किन को शाइनी प्रोवाइड हुआ है, शाइनी एड हो गया है। पीएच लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है मेरी स्किन। अब मुझे ऐसे नहीं लगता कि ड्राई है या कुछ है, प्रॉपर कुछ भी अप्लाई कर सकती हूँ, मेकअप अप्लाई कर सकती हूँ, अपनी स्किन में इजी रहता है बहुत ज्यादा। तो दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट फॉर विंटर्स, और नॉर्मली आप समर्स के लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट मेरा ये हो गया। तीसरा प्रोडक्ट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ गाइस, वो है आपका अगेन सेटाफिल का जो क्लींजर है, मैंने वो ऑर्डर किया है। फेस वॉश कह लो या क्लींजर कह लो, मैं इसी को ही अपनी अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे हमेशा। ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है गाइस, बट मैं रिकमेंड करती हूँ उसको, हाईली रिकमेंड करती हूँ जिसकी भी सेंसिटिव सुपर सेंसिटिव ड्राई स्किन है, सुपर ड्राई स्किन है, उन लोगों के लिए, ठीक है। इसका जो फॉर्म भी एक आता है, फॉर्म फेस वॉश भी आता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, 700 to 800 के रेंज में आपको मिल जाएगा। ये वाला जो फेस वॉश है, अब इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 515 रुपीज का एमआरपी लिखा हुआ है, जबकि मुझे ये पड़ा है 470 रुपीज, 450 इतनी रेंज का ही आपको ये मिलता है। सेटाफिल के प्रोडक्ट में डिस्काउंट बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम चलता है, ठीक है। अब ये क्या क्लेम करता है, ये बेसिकली है जेंटल स्किन क्लींजर। तो उसका जो इसी का जो मॉइस्चराइजर है, जो क्रीम जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये है फेस वॉश। इसको यूज करने का आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड है। पहला मेथड आपके पास गाइज ये है कि आप इसको यूज कर सकते हो जैसे नॉर्मली आप फेस वॉश करते हो, अपने स्किन में आपको क्या लगाना है, वाटर लगाना है, वाटर से टैप टैप करना है, देन आप फेस वॉश अप्लाई कर सकते हो। तो इसको आप पंपिंग फीचर में ही आता है, तो उसको आप पंप करोगे। अभी लॉक है, सील पैक है, क्योंकि मैं इसको अभी ओपन कर रही हूँ आप सबके सामने। तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको आपको अप्लाई करना है, अपने हैंड में लेना है थोड़ा सा, और अच्छे से आपको उसको मसाज करना है, लाइक 1 to 2 मिनट तक आपको उसको मसाज करना है प्रॉपरली अपने स्किन में। उसके बाद आप अपने फेस को प्रॉपरली वॉश कर लोगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। एक मेथड ये होता है जो नॉर्मली हम करते हैं फेस वॉश के टाइम पे। दूसरा मेथड ये होता है गाइस कि आप इसको, जैसे अभी मेरा हैंड जो है ड्राई एकदम, ठीक है, इसमें कोई वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, अब इसको लूंगी, ठीक है, अपने फेस में अप्लाई करूंगी। फेस में भी आपको पानी नहीं लगाना है, फेस में आपने इसको अप्लाई किया, अच्छे से क्लीन किया, ठीक है। उसके बाद आपको कॉटन लेके, कॉटन का कुछ भी वाइप लेके, या कॉटन का कोई सॉफ्ट, उससे भी कोई सॉफ्ट चीज हो तो उससे आपको वाइप ऑफ करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कम्प्लीटली, मैं कहती हूँ कम्प्लीटली वाइप ऑफ नहीं हो पाता, तब भी इसकी लेयर जो होती है आपकी फेस में रह जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो फर्स्ट वाला मेथड है वो मैं अप्लाई करूँ, और हमेशा मैं इसको वाटर की हेल्प से ही क्लींस आउट करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लींजर गाइस। अब इसमें ही बोलता है कि मॉइस्चराइज करता है, क्लीन करता है, सोप फ्री है, नॉन इरिटेटिंग है, और ये पैराबिन फ्री रहते हैं ये प्रोडक्ट अगेन, ठीक है।
टीएच लेवल मेंटेन करते हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं गाइस, उसमें कभी भी आपको खुशबू या कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस ये सब चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो भी अच्छे क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट रहते हैं गाइस, वो उसमें आपको फ्रेग्रेंस हो गया, पीएच लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा आपका, और बहुत ज्यादा ग्रीसी नहीं होते, ये डर्मोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ठीक है। तो और क्या चाहिए, दिस इज अमेजिंग। हाँ, कॉस्ट वाइज ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, ये जो मैंने आपको सेटअपिल की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम बताई थी और ये दोनों प्रोडक्ट मैं आपको बताए थे, मैं इनका बार बार रिव्यू से देती हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी आपको उसका रिव्यू दिया था, उस टाइम पे मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो अभी मुझे 6 से लेकर 7 मंथ हो गए हैं इसको यूज करते करते, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी ड्राई, सुपर ड्राई, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है गाइस, आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने मंगाए हैं गाइस, सो बेसिकली जो मैंने जो दो लिपस्टिक मंगवाई हैं वो पहला लिपस्टिक है ये वाली, सॉरी मैंने ये वाली लिपस्टिक नहीं मंगवाई, ये वाली लिपस्टिक मैंने एक मंथ पहले मंगवाई थी, मैंने उसको यूज कर लिया एक दो बार, ठीक है। और ये वाली लिपस्टिक मैंने अभी अभी ऑर्डर की है गाइस, इसका जो शेड है वो है 50 एम्स, शेना मॉल क्रंच का ये शेड है, ठीक है। शेड नंबर मैंने आपको बता दिया है और इसको मैं ओपन कर रही हूँ अभी आपके सामने, तो इसमें लिखा है 1.5 ग्राम है ये। इसका बहुत बुलेट लिपस्टिक जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इससे क्या होता है कि मतलब आप यूज करते हो उसके बाद थ्रो कर लेते हो तो बहुत इजी रहता है, जो बड़ी बड़ी लिपस्टिक रहती है उसको यूज करते रहो कोरते रहो खत्म ही नहीं होती, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से गाइज, आप देख सकते हो प्रोडक्ट इसके अंदर है, तो मैं उसको ओपन कर रही हूँ अभी। इस तरह से ये शेड है, आप देख सकते हो गाइज ये शेड है ये, ओके। सो ओके, लेट्स देखते हैं। तो ये है इस तरह का कुछ शेड, अच्छा लग रहा है वैसे तो, सुंदर लग रहा है शेड, तो न्यूड शेड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइज। तो एक शेड मैंने ये मंगवाया है, जो मैंने पहले यूज किया था वो है नायका की ये वाली लिपस्टिक, ये था 60 एम स्पाइस कैबिनेट 1.5 ग्राम, ठीक है। ये वाला मैंने शेड एक दो बार यूज कर लिया तो अभी ऐसा हो गया है। सो ये वाला शेड कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों शेड में। तो मैंने जो अभी अप्लाई किया है इस वाले का ही मैंने लाइट शेड करके इसको अप्लाई किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया था इसीलिए मैंने ये वाली मंगवाई अभी, और बट ये ज्यादा लाइट हो गई है अब, मतलब ये प्रॉपर न्यूड शेड है, तो इतना भी न्यूड मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट थोड़ा थोड़ा। बट ये दोनों प्रोडक्ट काफी अमेजिंग है, इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन करके लगा लूंगी, तो ये बहुत अच्छे है। बुलेट लिपस्टिक है गाइज, इसको आप प्लीज चेक ऑन करना, ये 199 रुपीज का एक पड़ता है, ठीक है, तो प्लीज चेक कर लेना। सो गाइज, आपको कैसे लगी मेरी विंटर हॉल की प्रिपरेशन पहले से ही, क्योंकि विंटर होने वाला है स्टार्ट, और ये कुछ मेरे प्रिपरेशन है जो मैं पहले करती हूँ स्किन केयर के लिए अपने। सो गाइज, आपको वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और ज्यादा से ज्यादा आप गाइज आप शेयर करो, आप शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो वीडियोज को शेयर करो, आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट करो, कुछ अच्छी अच्छी बातें उस पर लिखो कमेंट में, अगर बुरी लगी और कहाँ पे चीजों को सही करना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। सो गाइज, हैप्पी विंटर्स, सो विंटर के लिए रेडी हो जाइए आप लोग, और कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं अभी मंगवाने वाली हूँ आगे जाके, उन सब का भी मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दूंगी। चलो बाय, टेक केयर।